आइए हमारे बीच में सरिता अग्रवाल ट्रस्ट एंड रचना म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर रमेश अग्रवाल जी पहुंच चुके हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों द्वारा स्वागत। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का जो कार्यक्रम है एपीवी स्टूडियो रूपनगर में आज है और जिसके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मोहम्मद रफी जी जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और डायरेक्टर डॉक्टर फारगा नंदा जी खान हमारे बीच में और सभी जो है आज हमारे बीच में उपस्थित है रमेश अग्रवाल जी की पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ये सबसे पहले मैं मोहम्मद रफी साहब को कहूंगा कि रमेश अग्रवाल जी के स्वागत में कुछ कहें कि आप हमें वेलकम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और कुछ दो शब्द रमेश अग्रवाल जी के लिए कहें। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ रमेश जी का कि रमेश अग्रवाल जी हमारे छोटे से प्रोग्राम में आए और हमें उम्मीद नहीं थी कि अपना कीमती वक्त निकाल के वो यहाँ पे आएंगे और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। कलाकारों को प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी होता है और अगर आप जैसे लोग आके प्रोत्साहित करते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि आप आए और आपका स्वागत किया। हमारे बीच में नटराज क्लब के चेयरमैन लक्की जी हैं सर। दो शब्द आप रमेश अग्रवाल जी सर का अपना ट्रस्ट के बारे में। हमारे रमेश अग्रवाल जी मुख्यमंत्री समय निकाल करके जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उन सबके यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि उनका हौसला बढ़े और भी आगे जो ऑर्गेनाइजर हैं अच्छे अच्छे ग्रो होंगे। थैंक यू लक्की ऋषभ जी। और हमारे बीच में रीता मिश्रा जी हैं डीडीएस न्यूज से। आप भी रमेश अग्रवाल जी के लिए कुछ कहिए। रमेश अग्रवाल जी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और सबके हेल्प के लिए आगे रहते हैं। रचना म्यूजिकल ग्रुप के चेयरपर्सन रमेश अग्रवाल जी का तारीफ कम है जो कहा। धन्यवाद। हमारे बीच में एसीआर न्यूज रिपोर्टर आरती गुप्ता जी हैं। मैं दो शब्द आप भी बोलिए रचना म्यूजिकल ग्रुप के। मैं आरती गुप्ता। रमेश अग्रवाल जी हर किसी के लिए करते हैं जो कलाकारों को प्रोत्साहन करते हैं नए स्टेज पे उनको मौका देते हैं आगे ये इसी तरीके से कलाकारों को आगे प्रोत्साहन करे मेरी यही दुआ रमेश अग्रवाल जी हमेशा। हमारे बीच में प्रीतमपुरा का बहुत बड़े बिल्डर बलबीर सिंह जी हैं सर। दो शब्द आप भी बोले। मैं बलबीर सिंह रमेश अग्रवाल जी चेयरमैन ऑफ दी रचना म्यूजिकल ग्रुप हमारे बीच में मॉडल तन्या जी हैं। मैं दो शब्द भी बोलिए रमेश अग्रवाल जी सच्चा हुआ ट्रस्ट के बारे में। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रमेश अग्रवाल जी के तारीफ में क्या कहूँ, वो खुद एक तारीफ है। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम एक एपीबी स्टूडियो में सभी एकत्रित हुए हैं और फाइन आर्ट क्लब्स के अंदर जो एक सिंगिंग शो हो रहा है उसमें रमेश अग्रवाल जी आई ये सभी नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सबको थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूँ मेघना और आज हम रमेश अग्रवाल सर जी के साथ हैं। ये एक अच्छे इंसान है, ये लोगों की मदद करते हैं। इन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे लोगों की पेटीएम द्वारा मदद की है। तो मैं रमेश अग्रवाल सर जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। और जो इनके साथ रहते हैं ना वो भी मतलब कहते हैं ना कि परेशान ना हो सर, सबका ध्यान रखते हैं। थैंक यू। हमारे बीच में नीलम जी हैं, मैं उनको सब अभी हैं। हेलो, मैं नीलम और हम अग्रवाल जी के साथ जुड़े हुए हैं और आज हम स्टूडियो में आए हुए हैं और अग्रवाल जी का बहुत शुक्रगुजार है और मैं दुआ करती हूँ उनके स्वास्थ्य की और ये हमेशा ऐसे गाते रहें, मुस्कुराते रहें और सबकी हेल्प करते रहें। हमारे बीच में पारुल जी हैं, मैं दो शब्द अभी बोल रचना म्यूजिकल डायरेक्टर रमेश अग्रवाल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रमेश अग्रवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया
और मॉडलिंग को सपोर्ट करते हैं और बुकिंग को भी सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ हमेशा खुश रहें। थैंक यू। हमारे बीच में नामी जाने एंकर हेमा डेविड जी हैं, मैं दो शब्द भी बोले। थैंक यू चंद्र भाई जी, गुड इवनिंग एवरीवन, आप सबको प्यार से नमस्कार। आज हम मिस्टर रमेश अग्रवाल जी के यहाँ इस साथ पूरी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। मिस्टर मोहम्मद रफ़ी, मिस फरखंदा खान, इन दोनों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मिस्टर रमेश अग्रवाल के ये शुभकामनाओं के साथ आपकी महफिल में आए हैं, उन्हें रंगारंग महफिल जमाने के लिए। आपको पता है कि सेंट पीटर जिंदा है, उनसे बड़ा कोई नहीं, हर चीज में हर फील्ड में हेल्प करने में हमेशा इनके लिए जोरदार और आप सबके लिए थैंक यू। हमारे बीच में आरएसटी म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर सरदार जी, रणजीत सिंह तनेजा जी और मशहूर एंकर भी हैं, सब दो सरदार भी बोले। भाई अग्रवाल जी के लिए मैं यही कहूंगा कि बहुत ही नेक दिल इंसान है और इस उम्र के अंदर जो इनके अंदर डांस का गाने का जो जज्बा ऊपर वाले ने दिया है और इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक गॉड गिफ्ट है। और ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो हर किसी के दुख सुख में काम आते हैं, कभी भी कोई दिक्कत हो रमेश अग्रवाल जी सबसे पहले आगे होते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम हो घर बैठे पेटीएम द्वारा उसकी मदद करते हैं, कोई भी मुश्किल घड़ी हो सभी कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं। और अभी कुछ ही देर में इनका जलवा भी देखेंगे अंदर स्टूडियो में जाके। तो आइए, और आज काफी प्रोग्राम है क्योंकि आज मोहम्मद रफी साहब की थोड़ी रिक्वेस्ट थी कि आज जरूर आइएगा, आज काफी प्रोग्राम है, आपको पता है कि हर जगह आज काफी फंक्शन है, वहां भी जाना हमने। तो आइए रमेश अग्रवाल जी एंट्री करते आइए, आमंत्रित करने के लिए, वेलकम करने के लिए आए हैं। तो आइए चलते हैं लेकर आपको स्टूडियो में, एटीवी स्टूडियो रूपनगर। आप सभी का स्वागत है रमेश अग्रवाल जी और पूरी टीम जो कि साथ है हमारे स्टूडियो के अंदर। जी हाँ, हम एंट्री करने वाले हैं और देखेंगे रमेश अग्रवाल जी के नगमे हमारे साथ जो कि टीम के अंदर। आवाज से चंद्र भाजी जी हमारे साथ आए हुए। जी हाँ, उतनी कम है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, रमेश अग्रवाल जी खास तौर पे एक बार मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, मोहम्मद रफी साहब को एक बार यहाँ पर आ जाए। जी हाँ, मोहम्मद रफी जी जिन्होंने पूरी इनके ग्रुप ने हमें इनवाइट किया है, ऑर्गेनाइजर मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और डायरेक्टर फरखंदा खान जी एक बार यहाँ पर आ जाए। मास्टर यूसुफ खान का यही रहता है कि सेवा में लगा रहूं मैं, किसी की सेवा हो सके, किसी का कोई काम हो सके, आप अच्छी तरह इनको जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां जी हां रमेश अग्रवाल जी के लिए और ये पूरी टीम के लिए, हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही समय लेंगे। और मोहम्मद रफी साहब और पूरी टीम ने आज हमें यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया, क्योंकि और भी आज कार्यक्रम काफी है, प्लीज स्टेज पर आ जाए। और बहुत से यहाँ पर हमारे जो टीम के अंदर सुपर मॉडल दिल्ली एनसीआर विनर भी मौजूद हैं। जी हाँ, और लकी कश्यप जी जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, जो 101 इवेंट करने जा रहे हैं। जी हाँ, 100 इवेंट कर चुके हैं, अब 101 इवेंट करने जा रहे हैं आर्य ऑडिटोरियम में। लकी कश्यप जी बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजर और जिन्होंने मतलब हर ऑर्गेनाइजर को सिखाया। La 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 la
तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। तो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे साहब तेरे तस्वीरें जैसे होगी मारते तुझमें फिदा मैं क्यों हुआ। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं लुट गया मान के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या करूं मैं दिल हुआ भुलाए जा तू शराबी ये दिल हो गया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी दिल नहीं भरा सर, एक गाना हो थोड़ा पहले आपका ना प्लीज पहले आपका हम तो अग्रवाल जी अपनी तरफ से मान सम्मान करेंगे आप सभी का, उसके बाद एक नगमा होगा। ओके थैंक यू रफी साहब, और हमने काफी अच्छा सहयोग भी दिया आपने। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक छोटा सा एक गाना और हो जाए सर, एक जोरदार तालियां, एक नगमे की और फरमाइश जी। एक ख्वाहिश है कि एक गाना और गाए रमेश अग्रवाल, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है सर दिल से। रचना म्यूजिकल ग्रुप YouTube पर आप सर्च करेंगे, ये नगमा आप YouTube पर भी देख सकते हैं, रात को 10 बजे के बाद ये अपलोड हो जाएगा। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी रहे वैसे, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाला, इंसान की औलाद है
आप मुना ईद हुआ हम अंतरी बयान आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है आप मुना ईद हुआ हम अंतरी बयान है वो जिसे सारा जमाना समझेगा वारिस दुनिया आप जैसे जालिमों पे जुल्म की याद है काली हजूर की तरती दुआओं जैसी काली हजूर की तो जी हाँ तालियां प्लीज दो बार तालियां रमेश अग्रवाल जी सेलिब्रिटी आर्टिस्ट साहब की खास रिक्वेस्ट पर जरूर हम उन्होंने कहा था पहले जरूर यहाँ आइएगा चाहे थोड़ी देर के लिए तो इनका आदेश इनका हुक्म हमने माना है और एक बार जोरदार तालियां हमारे ऑर्गेनाइजर मोहम्मद रफी साहब के लिए जी हाँ ये YouTube पर आप रात को 10 बजे के बाद रचना म्यूजिकल ग्रुप सर्च कीजिएगा YouTube पर और ये परफॉर्मेंस रमेश अग्रवाल जी की आप देख सकते हैं ये दो नगमे आपको जरूर मिलेंगे YouTube पर 10 बजे के बाद रचना म्यूजिकल ग्रुप सर्च कीजिएगा इसी के साथ आपसे ज्यादा चाहेंगे दर्शकों के लिए इन सिंगर्स के लिए ऑर्गेनाइजर के लिए दो शब्द कहेंगे आप मोहम्मद रफी जी आपने बुलाया हमारा मान सम्मान दिया और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सारी ऑडियंस का क्योंकि गाना वगैरह तो आता नहीं है इस उम्र में लेकिन आप लोगों के बीच में रह के खुशी मिली उसके लिए एक दो लग बोल रहा हूँ थे जब वो हमारे पास इनके सारी महफिल मेरी जान थे जब वो हमारे पास तो उन्हें हम मना ना सके थे जब वो हमारे पास तो उन्हें हम मना ना सके चलती है जब वो रूठ के तो रूठे को मनाने की आदत पास सागर के बैठ समुद्र के बीच कलाकारों के बीच ऑडियंस के बीच पास सागर के बैठ तो हमें पीना भूला ही ना लौटे जब किनारे से
तो प्यास बुझाने की याद आई, तो आप लोगों के साथ ही नहीं मैं आपकी मेहरबानी, नमस्कार, धन्यवाद, अभी याद चाहूंगा। सर आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आप यहां पे आए। एक बार जोरदार तालियां रमेश अग्रवाल जी के लिए।